आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो रिचार्ज करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना भी सारा पॉपुलर ऐप मार्केट में आ चुके हैं, पॉपुलरिटी बढ़ने के टाइम पे उसका चार्ज लग गया है। जैसे फोन पे बताइए, पेटीएम बताइए, गूगल पे बताइए, इस सभी में प्लेटफॉर्म चार्ज आपको देना पड़ता है। बट पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो पॉपुलरिटी तो है, उसके साथ आपका बैलेंस भी सेफ रहेगा और आपको कैशबैक भी मिलेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देने का कोई जरूरत ही नहीं है। और ये जो एप्स है सब RBI में रजिस्टर्ड है, तो आपका जो बैलेंस है वो सेफ रहते हैं। बहुत सारा ऐप बहुत ज़्यादा कमीशन देते हैं, आप लोग उसके चक्कर में पड़ के ऐप रजिस्टर करके ओपन कर लेते हैं, कुछ दिन रिचार्ज करने के बाद वो जो ऐप्स है आपका बैलेंस को होल्ड कर देते हैं। तो वो जो ऐप्स है वो अनऑथोराइज ऐप्स है, दो तीन दिनों के लिए मार्केट में आते हैं, कुछ पे ऐसा लूट लेने के बाद भाग जाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जो पहले नंबर ऐप कौन सा है। पहले नंबर जो ऐप्स है अमेजोन पे, यानी अमेजोन ऐप्स। अमेजोन पे बहुत सारे लोग जानते हैं, नॉर्मल अमेजोन के बारे में बताऊंगा तो ये एक शॉपिंग ऐप्स है, बट शॉपिंग के ऐप के अंदर पे करने के लिए ऑप्शन रहते हैं अमेजोन पे। अमेजोन पे सेक्शन में आना है, पे सेक्शन में आने के बाद अमेजोन पे आपका रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं अमेजोन पे कैसे रजिस्टर करते हैं, वो सर्च कर लीजिए, उसके बाद रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए मोबाइल रिचार्ज पे। मोबाइल रिचार्ज पे आने के बाद आप इधर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप खुद इधर से रिचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं एक प्लान चूज कर लेता हूं, 299 का एक प्लान मैंने चूज कर लिया। इसके बाद पे नाउ पे जब मैंने क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं इधर जो अमाउंट उड़ रहा है 299 का, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमको नहीं देना पड़ रहा है। तो इधर से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अभी नेक्स्ट ऐप में जाते हैं। नेक्स्ट जो ऐप है हमारा ये HDFC का है, PayZ ऐप। ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद पहले इस ऐप को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद ऐप ओपन करना है। सिक्योरिटी रीजन के लिए फास्ट वाला जो पेज है आपको नहीं दिखाई देगा, बट इधर ही ऑप्शन मिल जाएगा पहले रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में जाने के बाद देखिए इधर आपके पास आ जाएगा मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है। मोबाइल रिचार्ज पे जब अपना क्लिक करेंगे, कोई भी अपना नंबर दे दीजिए, उसके बाद रिचार्ज ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं अमाउंट जो है, मैं एक अमाउंट चूज कर लेते हैं, जो रिचार्ज अमाउंट है अनलिमिटेड पे जाके मैं रिचार्ज अमाउंट चूज कर लेता हूँ। इधर देखिए मैं एक रिचार्ज चूज कर लेता हूँ, ये 695 का एक रिचार्ज चूज कर लिया। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमको जो पेमेंट करना पड़ेगा ये है 695, और आप इधर प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा टाइप में इस ऐप में ऑफर देते हैं, कॉइन देते हैं, कॉइन आप उठा सकते हैं, बहुत सारा टाइप के साथ ये लोग कैशबैक देते हैं, तो आपको यूज करना है और जानना है। PayZ ऐप के बारे में आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, ये HDFC बैंक का है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो ऐप है, ये है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग ऐप्स है। फ्लिपकार्ट का भी रिचार्ज करने का ऑप्शन बहुत दिन पहले से ऑन कर दिए हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रीपेड रिचार्ज। प्रीपेड रिचार्ज पे आपको क्लिक करना है। प्रीपेड रिचार्ज पे आपको क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे के इधर अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए दोस्तों आपको इधर ऑप्शन दे दिए हैं कौन सा सिम है, इसका रिचार्ज प्लान क्या है, और एक जो अच्छा न्यूज है आप इसमें अपना पॉइंट भी यूज करके रिचार्ज कर सकते हैं, यानी 10 पॉइंट आप देखिए रिचार्ज हर में 10 पॉइंट करके आप यूज करके अपना रिचार्ज अमाउंट को कम करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें भी आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, जो UPI की सिस्टम से आप बैंक अकाउंट ऐड करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपको पता नहीं है तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए जो कैसे फ्लिपकार्ट से रिचार्ज करते हैं, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो देख आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारा ये है FreeCharge। FreeCharge बैंक की तरफ से ये ऐप्स है, और इस ऐप से भी आप कैशबैक ऑन कर सकते हैं, मोबाइल को भी रिचार्ज कर सकते हैं। कैसे आप देख सकते हैं इधर मोबाइल रिचार्ज पे जाना है। मोबाइल रिचार्ज पे जाने के बाद इधर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर दे देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो
मोबाइल नंबर देने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे जो भी प्लान है वो आ जाएगा, तो चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद देखिए दोस्तों, इधर आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गए हैं। जब आप पेमेंट करेंगे, देखिए ये हमारा जो रिचार्ज अमाउंट है 151 था, तो ये 151 ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इधर नहीं है। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, और इसका वॉलेट भी है, आप वॉलेट से भी रिचार्ज कर सकते हैं। इसके लिए कैशबैक भी देते हैं, ये देखिए पहले ऑफर रहते हैं। इसका जो प्रोमो कोड है देखिए FC10, हर महीना ये लोग कैशबैक देते हैं, CB up to 100, यानी ये रिचार्ज करने के टाइम पे भी up to 100 rupees भी कैशबैक दे सकते हैं। दो ऑफर अभी अवेलेबल है, CB10 इस FC10 आप करेंगे तो आपको 10 rupees कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा, और ये जो है CB up to RS 100 ये जो है ये आपको मिल सकता है और नहीं मिल सकता है। तो इसी तरफ से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देके। ये जो चारों ऐप्स है, चारों ऐप्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया। आप ये चारों ऐप्स के बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, यूट्यूब में जाके जान के आप इधर से फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं और कैशबैक भी अर्न कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।